स्कूल टीचर हूँ और घर में मैं अकेली रहती हूँ। आज मेरा हॉलीडे है, घर पे अकेली बहुत ज्यादा बोर फील कर रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई आप सबसे बात करने के लिए। आपने बहुत अच्छा किया है चंपा जी, बैठिए ना, बहुत बातें करेंगे। दूदू कौन आया है, तुम किससे बात कर रही हो? अरे बूबू चंपा जी आए हैं। चंपा खेबली फिर से आ गई है, क्या कर रही है खेबली यहाँ पर? मुझे अभी जाकर देखना पड़ेगा। क्या चाहिए आपको, शुगर सॉल्ट क्या चाहिए? बूबू तुम चंपा जी से इस तरीके से क्यों बात कर रही हो? चंपा जी सिर्फ हम दोनों से बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो डूडू, मेरी मर्जी है, मेरी जैसी मर्जी होगी मैं वैसे ही बात करूंगी। नहीं बिल्कुल भी नहीं बूबू, तुम अभी के अभी चंपा जी से सॉरी बोलो। आई एम रियली वेरी सॉरी डूडू जी, मुझे पता नहीं था मेरे वजह से आप दोनों के बीच झगड़ा लग जाएगा। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आप दोनों प्लीज झगड़ा मत कीजिए। क्यों रे खेबड़ी, आज तू स्टाइल मार के बात क्यों नहीं कर रही है, क्या इरादा है तेरा? शट अप बूबू, तुम चंपा जी से अभी के अभी सॉरी बोलो वरना मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगा। क्या दूदू तुमने क्या कहा, तुम इस खेबड़ी के बजाय से मुझे थप्पड़ मारोगे? तुम बहुत ज्यादा बुरे हो दूदू। रहो तुम चंपा जी के साथ, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी एक पल भी। सो सॉरी डूडू जी, मेरे वजह से आप दोनों के बीच झगड़ा हो गया है, अब मैं इस घर पे कभी नहीं आऊंगी। अरे अरे चंपा जी आप यहाँ से मत जाइए, चंपा जी रुक जाइए। बूबू आज बिल्कुल भी सही नहीं किया, बहुत ज्यादा घटिया बिहेव किया बूबू। दिन के दिन बूबू बहुत ज्यादा बदतमीज हो जा रही है, आज तो बूबू से मैं कलेश करके ही रहूंगा। तुमने चंपा जी से बहुत घटिया बिहेव किए हो बूबू, चंपा जी तुम्हारे वजह से इस घर से चली गई है और तुम यहाँ पर रो रही हो, खुद दूसरों के साथ बदतमीजी से बात करते हो और यहाँ पर आके खुद ही रो रही हो, मगरमच्छ के आंसू रो रही हो यहाँ पर आके तुम। तेरा इतना ज्यादा हिम्मत हो गया है कि तू उस खेबड़ी चंपा के लिए मेरे साथ आकर झगड़ा कर रहा है। यू कैरेक्टरलेस डूडू, घर पे बीबी होते हुए भी दूसरी लड़कियों की तरफ नजर डालता है तू। तू मुझे कैरेक्टरलेस कह रही है? मुझे? तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत, तू मुझे कैरेक्टरलेस कह रही है? हाँ क्योंकि तू कैरेक्टरलेस है डूडू, तू कैरेक्टरलेस ही है। बस बहुत हो गया है, मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूंगा, मुझे डिवोर्स चाहिए। तुझे मैं कभी डिवोर्स नहीं दूंगी, तेरे घर पर ही रहूंगी और तुझे हमेशा तंग करूंगी और तुझे ये सब कुछ सहन करना पड़ेगा। बड़ा आया है, मैं भी देख लूंगा तू मुझे कैसे डिवोर्स नहीं देगी। हाँ हाँ फट, चल निकल यहाँ से, चल निकल। तू निकल यहाँ से, मोट की भूत की मेरे घर पे रहती है और मुझे निकल कह रही है। हाँ हाँ चल चल फट यहाँ से, घर मेरा भी है, चल निकल यहाँ से। टू बी कंटिन्यूड। इस वीडियो के एंड तुम सबको कैसा चाहिए मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ही मत भूलना। हेलो गाइस, होप ये वीडियो तुम सबको बहुत ही पसंद आई है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ही मत भूलना, और अगर तुम इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास ही पहुंच सके। वीडियो को लाइक करो, बहुत बहुत शेयर करो और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय ऑल डियर फ्रेंड्स।